अजय एकादशी भाद्रप्रद कृष्ण पक्ष कुंती पुत्र अर्जुन बोले हे जनार्दन अब आप कृपा करके मुझे भाद्रप्रद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है उसका व्रत करने से क्या फल मिलता है श्री कृष्ण बोले हे पार्थ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस काशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई व्रत नहीं है अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा सुनो प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था उसका नाम हरीश था वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था देव योग से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और प्रस्थिति वर्ष उसे अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा स्वयं वह एक चंडाल का सेवक बन गया उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं? किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं एक समय की बात है वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे राजा की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले हे राजन भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है तुम उस काशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिपूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी उसने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महादेव जी तथा इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था किंतु काशी के व्रत के प्रभाव से सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, ये सब अजय काशी के व्रत का प्रभाव था जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है कथासार प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए